अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां की जगदलपुर में श्री साई समिति धर्मपुरा द्वारा 4 से लेकर 6 तारीख तक गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया, जहां श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना किया। साथ ही समिति द्वारा प्राकृतिक प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में फलदार पौधा का भी वितरण किया गया। वहीं समिति के सदस्य सोनाली ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष कोरोना के कारण भंडारा का आयोजन नहीं किया गया है, इसलिए प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को फलदार पौधा दिया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति एक एक पौधा लगाकर प्रकृति को हरा भरा रखने में सहयोग करे। जी मैडम, जी जो पौधा वितरण किया जा रहा है, ये आपकी कौन सी संस्था के द्वारा किया जा रहा है और मकसद क्या है? धर्मपुरा के तरफ से हर प्रतिवर्ष के गुरु पूर्णिमा का पर्व यहाँ पे बनाया जाता है 3 दिन से हर्षोल्लास के कारण। पर इस बार क्या है कि कोरोना के कारण हम लोगों ने बहुत शॉर्ट रूप में बनाया है और सोशल डिस्टेंस के साथ ही इसको बनाया जा रहा है। और जो हमारा भंडारा होता है प्रतिवर्ष, वो तो नहीं हो पा रहा है, ना ही फूल और क्या बोलते हैं अगरबत्ती नारियल ये सब मना कर रहे हैं और प्रसाद वितरण भी मना है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम पौधे बांटे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की आप देख रहे हैं वैसे ही बहुत कमी हो जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं पर पेड़ कोई लगा नहीं रहा है, है ना। तो हम प्रसाद स्वरूप देंगे, बाबा का प्रसाद स्वरूप, तो जाके लोग इसको लगाएंगे और पेड़ जितने लगेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे जगदलपुर के लिए। कौन कौन से पौधा आप लोग दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं, इसमें है जाम है, आम का है, है ना, और बहुत सारे जामुन है, नींबू है, काजू का है, बादाम है और धनलक्ष्मी का वो है।